तो हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो पूरा पढ़ लिया है ना। तो अब हम थोड़ी सी बात करते हैं, देखो कि कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब सिंस इस चैप्टर में हमारे सामने कुछ ऐसा वो नहीं आया, ऐसा कोई फॉर्मूला आया नहीं सामने से कि हम कुछ कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। बट तुम्हारे सामने एक टर्म बार बार आई थी, दैट वॉज मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या है, एक तरह का फोर्स ही है, ठीक है। अब वो किस तरह का फोर्स है उसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव होता है जो तुम्हें इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बट तुम इतना याद रखो कि हो क्या रहा था वहां। चार्ज कंटिन्यूसली मूव कर रहे थे करंट के साथ, और एक चार्ज मूव कर रहे होंगे तो एक वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, तो उससे हमारे सामने आता है एक फॉर्मूला, दैट इज क्यू वी बी, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। अब क्यू वी बी क्या है बताओ, क्यू वी बी में एफ तो हो गया अपना फोर्स इन न्यूटन, ठीक है, एफ हो गया अपना फोर्स इन न्यूटन। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है अगर तुम्हारे सामने की स्टेट एंड डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, तो इस तरह से हमें आगे बढ़ना है, या फिर ऐसा यूनिट की भी बात करें तो उसमें भी यही चीज हमें करनी है। अगर वो बोलता है स्टेट एंड डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड तो भी यही चीज करनी है, और बोलता है स्टेट द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो भी यही चीज करनी है। क्यू क्या है भाई, चार्ज, चार्ज किसमें दिया जाएगा, हमेशा कूलम्स में देंगे हम उसको। वेलोसिटी वी क्या है, वेलोसिटी किसमें देंगे हमेशा उसको भाई, मीटर पर सेकेंड में। और बी क्या है, बी तो है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड। अब बी क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड है बी। तो बी जो है तुम्हारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब तुम्हें यही तो चेक करना है कि मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिफाइन करना है। तो अब इसकी ऐसा यूनिट के लिए हम क्या करेंगे, इनके पर यूनिट ले लेते हैं, या फोर्स को ले लो 1 न्यूटन, चार्ज को ले लो 1 कूलम, वेलोसिटी को ले लो 1 मीटर पर सेकेंड, और तो बी की वैल्यू मुझे मिलेगी, कुछ तो मिलेगी। तो चलो चेक करने की कोशिश करते हैं, बी क्या हो जाएगा, एफ अपॉन क्यू वी। ऐसा यूनिट डालते हैं इनकी, डाल के देखते हैं, चलो न्यूटन कूलम्स मीटर बाय सेकेंड्स। अब मुझे एक चीज और पता है कि यार करंट क्या होता है, क्यू बाई टी, क्यू क्या है कूलम्स में, टी क्या है सेकेंड्स में, तो सी बाय एस क्या होना चाहिए, करंट होना चाहिए, और करंट किस में होता है हमारे पास, एम्पियर्स में। तो यानी कि यहां क्या है, इसको इन दो चीजों को एक साथ लिख दूं तो ये क्या हो गया, एम्पियर पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, क्या हो गई भाई वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट हो गई न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। और इस ऐसा यूनिट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक नया नाम देते हैं टेस्ला, यानी मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज गिवन इन टेस्लास। और इसको डिफाइन करने की बात आएगी तो कैसे करोगे, आप देखो चार्ज की क्या है, वेलोसिटी, चार्ज जब वेलोसिटी से चलेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट, करंट हो गया, फोर्स भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। सो वी विल से दैट वी हैव मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला व्हेन बाय अ मूविंग चार्ज ऑफ 1 कूलम, अ मूविंग चार्ज ऑफ 1 कूलम मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड creates a force of, exerts a force of 1 newton on the system, we say that the magnetic field is 1 tesla। कब बोलेंगे भाई कि 1 tesla है, जब 1 कूलम्ब का चार्ज 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चलेगा और फोर्स एग्जर्ट करेगा 1 न्यूटन। पर एक कंडीशन है, दैट वेलोसिटी जो है चार्ज के चलने की, दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल्स, एक चीज तो होनी चाहिए ना, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, एंड द फोर्स शुड ऑल्सो बी अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द बोथ ऑफ देम, एंड दैट इज देयर थ्री शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सो
वेन अ चार्ज ऑफ वन कूलम मूव्स विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड ड्यू टू चार्ज ऑन द सिस्टम वी से दैट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 Tesla is being generated or is present in the system, which is perpendicular to both force and the current. आई समझ में? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. ओके, तो एक क्वेश्चन लेके देखते हैं चलो कि what are magnetic field lines and state their properties. क्या करो भाई, state their properties. अब तो हमने देखी थी यार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पता होना चाहिए, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. अब इसमें तो यार सारे क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल इसी तरह के आएंगे, बिकॉज हमने इसमें कोई फॉर्मूला तो ऐसा आया नहीं था सामने हमारे. एक जो फॉर्मूला देखा हमने अभी देख लिया पिछले क्वेश्चन में, एक छोटा सा फॉर्मूला. तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, हमें दिख थोड़े रही है, ना ही वो है, बट मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक ऑरा टाइप होता है ना, तो दैट क्रिएट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो क्या लिखोगे भाई, इमेजिनरी लाइंस ऑफ डिपिक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड. इमेजिनरी लाइंस एक पॉइंट मत भूलना कि जैसे कि प्लैनेट के ऑर्बिट्स है ना, जो ऑर्बिट्स में प्लैनेट्स तो घूमते हैं बट क्या ऑर्बिट नजर आता है नहीं, हमने वो लाइन मान ली कि यार एक सर्कुलर वे होता होगा. तो इमेजिनरी सर्कुलर लाइंस क्या होती है भाई, सर्कुलर होती है या कर्व्स बोल दो, इमेजिनरी कर्व्स या फिर सर्कुलर लाइंस. नाउ अब सर्कुलर लाइन जैसी कोई टर्म मैथमेटिकली तो पॉसिबल नहीं है, बट इमेज सर्कुलर पाथ्स बोल सकते हैं हम इसे, तो चलो पाथ बोल दो यार, सर्कुलर पाथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन विच द फील्ड लाइन्स ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. कहां से भाई, नॉर्थ टू साउथ, दैट इट इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल. तो फील्ड लाइन्स कहां से इधर ही जाएगी, ठीक है. उसकी प्रॉपर्टीज, सो प्रॉपर्टीज बार मैग्नेट पर हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, नॉर्थ टू साउथ जा रही है ये हमें पता ही है, तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है. क्या प्रॉपर्टीज में क्या लिखोगे भाई, पहला लिखोगे नॉर्थ टू साउथ जाती है, दूसरा सर्कुलर होती है, ठीक है. पोल्स पे हमने क्या देखा था भाई, कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, तो मैक्स एट पोल्स, और फिर उसी के साथ ये लिख दो वीकर एट बिटवीन द पोल्स, वीकर एट द बॉडी, यानी कि बॉडी आएगा वीकर एट रेस्ट पार्ट लिख दो, कुछ भी बोल दो, क्योंकि मैक्सिमम पोल पे होगी तो बाकी जगह तो उससे वीक ही होगी. और फिफ्थ पॉइंट एक मान लो कि यहां पे ज्यादा कंसंट्रेटेड है, यहां पे ज्यादा वाइड है, वाइड गैप्स इन सेंटर. अब ये क्वेश्चन देखो, अगर 5 मार्क्स के आ जाता तो तुम पूरा लिखोगे ढंग से, दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी सर्कुलर पाथ डिपिक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. फिर डायग्राम बनाओगे नॉर्थ टू साउथ जा रहा है पूरा ढंग से, और ये प्रॉपर्टीज लिख दोगे. नहीं आता तो यार डेफिनेशन लिखो, एक दो पॉइंट लिख दो फटाफट फटाफट, लेकिन अगर डायग्राम बनाओगे तो इफेक्ट तो पड़ेगा. साइंस में तो शायद 5 नंबर का कोई क्वेश्चन ऐसे सीधा तो नहीं आता, पार्ट्स पार्ट्स कर दिए जाते हैं उसके जनरली, पर अगर आ जाए तो तुम्हें चीजें पता होनी चाहिए. क्या SST की तरह मत लिख देना कि अगर मुझसे पूछ लिया तो मैं तो पूरी SST जितनी आती लिख दूंगा उस क्वेश्चन में, नहीं ऐसे मत करना, ठीक है. अगला क्वेश्चन देखते हैं एक, तो अब जो अगला क्वेश्चन देखते हैं वो एक बार ये देख लेते हैं कि वॉट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या है एक विद्युतीय चुंबक, क्या है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रो मैग्नेट, और
ऑन व्हाट फैक्टर्स इट्स स्ट्रेंथ डिपेंड्स, उसकी ताकत किन किन चीजों पे निर्भर करती है, जैसे शक्तिमान की योग पे, बेंटन की उसकी ओमनीट्रिक्स पे, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर किस चीज पे है, स्ट्रेंथ डिपेंड्स। तो इस क्वेश्चन में देखो, ये बोर्ड में एक अच्छा आने लायक क्वेश्चन है, इसको ये चैप्टर तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअली पूरी तरह से नया है और इसमें काफी चीजें हैं जो तुम्हें अगले साल भी काम आएगी 11th 12th में, जिनको लेनी है। फिजिक्स तो सभी पढ़नी पड़ेगी, जिनको भी साइंस लेनी है उसमें भी काम आएंगी, और ये जो है वो इसमें भी काम तो आएंगी, इसे और कंसेप्चुअली भी काफी स्ट्रांग करना पड़ेगा तुम्हें चैप्टर। हालांकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, 3-4 ही कंसेप्ट है मेन, उनको लेकिन ढंग से पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला पार्ट जो है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो क्या लिखोगे कि When a soft iron core is being inserted in a coil, इस coil में डाल दिया ना, and when electricity is passed through this, it acts like a magnet till as long as the electricity is passed through the coil, तब तक क्या करेगा, ये magnetic field behave करेगा। So this will create a temporary magnet there that is called as electromagnet, because it is not a naturally occurring magnet but made with the help of electricity and iron। और क्या property है भाई इसकी, temporary है, strength हम maintain कर सकते हैं। अब strength किन किन factors पर depend करेगी, पहला directly proportional to current है ना, स्ट्रेंथ किससे भैया, जितनी ज्यादा करंट दे दूंगा उतनी ज्यादा ताकत, ओमनीट्रिक्स में जितना ज्यादा चार्ज होगा बेंटन उतनी देर तक बना रह सकता है, ठीक है, तो उतनी ज्यादा पावर हो जाएगी, तो जितनी करंट उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ। दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स, जितने ज्यादा एलियन उतनी ज्यादा फ्लेक्सीबिलिटी, तो उतना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा बेन, समझ लो ना बात को, एक एलियन थक गया दूसरा लड़ने आ जाएगा, समझो, जितने ज्यादा शक्तिमान उतनी ज्यादा पावर, और जितने ज्यादा आयरन मैन उतनी सेफ अर्थ, इस तरह से समझो इसको, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, तीसरा नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ा दिए, और नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, करंट बढ़ा दी, मटेरियल भी चेंज कर लो यार, मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे किस तरह से डिपेंड करता है, इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टिविटी, यानी कि जितनी ज्यादा कम रेजिस्टिविटी होगी ना इन ओम्स, मटेरियल के उतना ज्यादा पावरफुल हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। तो अब यार ये तो कुछ सॉल्ड एग्जांपल तो नहीं है, इनको तुम यही मान लो कि यही है तुम्हारे एनसीईआरटी या बोर्ड्स के क्वेश्चंस, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, कुछ और इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड्स के फेवरेट्स हैं, तो बात करते हैं उन पे। देखो तो बोर्ड में जो एक और अच्छा क्वेश्चन आता है वो है स्टेट लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। अब यहां पे उसने बोला स्टेट लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स, अब यहां पे उसने ये नहीं पूछा कि कौन सा वाला, ठीक है। अब यहां पे तुम दो चीजें बता सकते हो कि पहला क्या है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल ऑलवेज गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, ओके, डायरेक्शन जो है हम उनका उसी तरफ लेंगे। लेकिन यहां पे चीज वो नहीं पूछ रहा है, वो यहां पे पूछ रहा है जो चीज उसका आंसर है कि पोल्स ऑलवेज व्हाट दे एग्जिस्ट इन पेयर्स, यानी कि अकेले मैग्नेट बना तो नॉर्थ पोल होगा ना, अकेले में साउथ पोल होगा, ठीक है, होंगे तो दोनों पोल होंगे, नहीं तो मैग्नेट ही नहीं है वो, समझे बात को, इफ देयर आर नो पोल देयर इज नो मैग्नेट पॉसिबल, ऐसे समझो। अगर किसी की शादी नहीं हुई तो कोई उसको हस्बैंड थोड़े बोलेगा, या लड़की की नहीं हुई तो कोई उसको वाइफ थोड़े बोलेगा, नहीं बोलेगा ना, हस्बैंड वाइफ होने के लिए दोनों की शादी होनी जरूरी है, ठीक है, ए और दोनों होंगे तभी तो शादी होगी, तो एक नहीं होगा तो दूसरा कैसे पॉसिबल है, समझ में आई बात। तो सपोज आई टेक अ लॉन्ग बार मैग्नेट हैविंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और अगर मैंने उसको बीच में से तोड़ दिया,
जो मेरे पास मैग्नेट बचेगा ना, उसमें ऑटोमेटिकली वो अलाइन कर लेगा खुद को साउथ पोल की तरह, तो यहां पे भी साउथ पोल आएगा और यहां पे नॉर्थ पोल आएगा, यहां पे नॉर्थ पोल आएगा और यहां पे साउथ आएगा। सपोज उसको फिर काट दिया मैंने, फिर काट दिया और टुकड़ों में, क्योंकि मैं बहुत ही कट्टर आदमी हूं, कटर आदमी हूं, कटर यानी कि काटने वाला, कट्टर नहीं कटर आदमी हूं, ठीक है। तो यहां पे फिर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस तरह से बन जाएंगे, और भाई शेप तो ऐसे ही बिगड़ती जाएगी जितना ज्यादा काटते जाएंगे हम उसको। ये तो पैरेललोग्राम ही बन गया हमारे पास। तो इस तरह से ये लॉ है कि भैया पोल्स विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर इवन इफ दे आर कट डाउन, ट्रिमेंड टू सिक्वेंशियली कट डाउन करते जाओ तो भी जो है पोल्स तो वही के वही रहेंगे, पोल्स में वहां डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड्स में आता है, फेवरेट सॉन्ग का है कि भैया स्टेट द वेरियस हैंड रूल्स। अब हैंड रूल्स बोला उसने, यहां पे तुम्हें तीनों चीजों का ध्यान रखना है, यू हैव टू कंसिडर ऑल द थ्री थिंग्स, व्हाट एवर दे, द राइट हैंड थंब रूल, बिकॉज हाथ में ही तो तुम्हारे उंगलियां हैं और हाथ में ही तुम्हारा अंगूठा है ना, देन द टू फ्लेमिंग्स रूल, दैट इज फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इंडक्शन वी यूज द राइट हैंड रूल, एंड द फॉर सिंपल द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो यहां पे क्या करना है तुम्हें, तीनों चीजें स्टेट करनी है, दैट इट हैज राइट हैंड थंब रूल। ये किसने दिया था भाई, मैक्सवेल ने दिया था ना, ग्लेन मैक्सवेल ने तो नहीं दिया था, वो तो क्रिकेट खेलेगा, वो तो बॉल के देगा, ठीक है। ये तो मैक्सवेल ने दिया था, और मैक्सवेल ने क्या दिया था भाई राइट हैंड थंब रूल में, दैट फॉर करंट कैरिंग कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ करंट अगर ऐसे है तो फिंगर के कर्ल्स जो है क्या बताएंगे तुम्हें, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड बी, अभी हमने देख लिया बी से डिनोट करते हैं, हम बी से डिनोट करेंगे अब, ठीक है। फिर क्या था भाई, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि सिक्वेंशियली वही तुमने पहले पढ़ा था, तो वही तुम्हें पहले लिखना है कि इफ अ सिस्टम हैज, इफ अ सिस्टम हैज व्हाट, सिस्टम हैज अ प्लेस बिटवीन मैग्नेट्स एज अ मैग्नेटिक फील्ड एंड अ करंट इज इंड्यूस्ड इन इट, इट विल प्रोड्यूस अ फोर्स दैट विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। समझ में आई, यही तो था उसके हिसाब से, तो उसने दिया था और तुम बना दोगे कि भैया ये रही मैग्नेटिक फील्ड किससे दे रहे थे, फोर फिंगर से, और फिर और क्या देंगे, फोर्स की डायरेक्शन थंब से दोगे किसकी भाई, फोर्स की मैग्नेटिक फील्ड की बी, और करंट की डायरेक्शन ये सेंटर फिंगर से, करंट की डायरेक्शन करंट आई, ठीक है। अब हम बात करते हैं तो राइट हैंड रूल में, राइट हैंड रूल में बात कर लेते हैं। चलो अब राइट, इसमें लेफ्ट हैंड यूज कर लिया तो इसमें राइट हैंड यूज कर लो। अब राइट हैंड इसमें किस तरह से यूज हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए फोर फिंगर फिर से, तो फोर फिंगर फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, और फिर से थंब ही फोर्स के लिए, थंब ही यूज करेंगे फोर्स के लिए, और फिर इधर करंट आई फॉर, और ये किससे बताएंगे भाई, सेंटर फिंगर से या सेंट्रल फिंगर से या मिडिल फिंगर से, ठीक है। तो डायग्राम ऐसे ही बनना चाहिए, लेफ्ट हैंड रूल में फोर फिंगर इधर आएगी और राइट हैंड रूल में फोर फिंगर इसी तरफ बननी चाहिए, वरना ये दोनों चीजें गलत हो जाएंगी। अब ये डिपेंड करता है कि अगर 3 मार्क्स का है ना तो स्टेट करो, डायग्राम बनाओ, छोड़ो, ठीक है। लेकिन अगर 5 मार्क्स का आ जाए तो सब कुछ बताओ फिर इसमें ढंग से, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करो, बी एफ को ये, और ढंग से एक आध पेज उस पर भरो, ठीक है। क्योंकि माना ये प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट इतना नहीं है कि हम इसमें असिस्टेंट की तरह लिखते जाएं, बट 5 मार्क्स का है तो इज्जत तो देनी पड़ेगी, देखो क्वेश्चन को, तो वो वाली बात होती है। तो तुम एक्सप्लेन भी करोगे उसमें ढंग से कि
लेफ्ट हैंड को फोर फिंगर, उसको ये, लेकिन अगर नहीं है तो भाई डायग्राम बना दो सीधे सीधे, ठीक है, और ये भी लिखोगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए वो सब चीजें, लेकिन नहीं है तो भाई 3 मार्क्स के लिए तो डायरेक्ट डायग्राम बनाओ खत्म करो, ठीक है ना। तो ये तो हैंड रूल्स हुए, अब वो स्पेसिफिकली बोल रहे फ्लेमिंग्स हैंड रूल्स तो तुम ये यूज करोगे, और थंब रूल बोलेगा तो ये। अब इनके अलावा एक और रूल कौन सा बचता है जो है हमारे पास, एक ही तो बचा है इसके अलावा, कौन सा, द कॉर्कस्क्रू रूल। हालांकि वो हैंड रूल में नहीं आता, बट उसी का एक सिंपल एक्सप्लेनेशन ही तो है कॉर्कस्क्रू रूल, कि अगर ये जो है तो इसको अगर मुझे नीचे पुश करना है कॉर्क में, तो मैं इसको कैसे घुमाऊंगा भाई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरफ ही तो घूमेगा ये, यूं घुमाता रहूंगा, ऐसे मोशन देता रहूंगा तो ये डाउनवर्ड्स जाता रहेगा, यानी कि करंट इधर जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड यू जाएगी। और अगर कॉर्क से इसको निकालना है तो ये चीजें थोड़ी उल्टी हो जाएंगी, ऐसे बनेगी, और करंट के लिए ये डायरेक्शन चीज रही है, तरीका नया है सोचने का। तो ये सोचने वाली बात है, साइंस क्या है, सोचने पे भी चलेगी ना थोड़ी बहुत, तो पर सोचने का थ्योरेटिकल वे किसी लॉ पे बेस्ड होना चाहिए, ठीक है, यहां पे है चीजें। चलो आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब एनटीएससी में आए हुए दो क्वेश्चंस की बात करते हैं, देखो जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये दोनों क्वेश्चंस क्या है, कंसेप्चुअल है हमारे पास, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि कंसेप्ट को हम किस तरह से अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। ये एनटीएससी में आया तो कंसेप्चुअली आते हैं, उसमें कैलकुलेशन वाले भी कम होते हैं बट कंसेप्चुअल ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ बी फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, बी फील्ड भाई बी से डिनोट करते हैं ना, तो बोल दिया मैग्नेटिक फील्ड है, बी फील्ड बोल दिया, तो इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो क्या है, परपेंडिकुलर ही तो है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ये जा रही है और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में एंटर किया है तो परपेंडिकुलर ही तो हो रहा है। तो अब मुझे बता रहे डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स अब कैसे बता सकता हूं, तो मैं अगर सोचूंगा तो मेरे पास रूल्स हैं थोड़े बहुत, उनमें एक रूल था मेरे पास, फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स व्हेन आई नो द मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, करंट विल ऑल्सो मूव द डायरेक्शन अपोजिट टू इट। तो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो करंट विल मूव अपोजिट टू इट, क्या करेगा भाई, करंट अपोजिट टू इट मूव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट तो हम मानते हैं कि करंट मूव कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है तो करंट इस डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में है। और फिर क्या था मेरे पास, इस चीज के लिए होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल इज फॉर द फोर्स दैट जनरेट, फोर्स दैट द इलेक्ट्रॉन जनरेट्स ऑन द सिस्टम, और राइट हैंड रूल फॉर द इंड्यूस्ड करंट, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इधर है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर है, तो करंट का इधर हो गया और करंट का इधर हो गया, तो क्या हो रहा है भाई, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट इधर है, तो पेज के बाहर ही लग रहा है मुझे, तो डायरेक्शन पेज के बाहर ही, इस बोर्ड के इधर ही, तो मतलब बोर्ड के इस तरफ या बाहर की तरफ ही इसका डायरेक्शन पॉसिबल है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किसी को दिक्कत, इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट लेंगे हम करंट का डायरेक्शन, यही तो लेते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो के ऑपोजिट तो लेते हैं करंट का डायरेक्शन, तो करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तो तुमने बनाया ही है यार, अभी तक डायग्राम कैसे बना रहे थे, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड या करंट। तो अब अगर करंट यहां आ गया तो थर्ड एक्सिस जो प्लेन के बाहर आ रही है जेड एक्सिस वो इस तरफ आ जाएगी, यही तो होगा, तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना पड़ेगा ना, तो आंसर आ जाएगा सी, यानी कि आउट ऑफ द पेज। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए हमें ये रेस करना पड़ेगा। तो चलो बात करते हैं, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है भाई, वाई एक्सिस पे, यानी कि इस तरफ है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रॉन का मूविंग डायरेक्शन है इस तरफ, यानी कि यह है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, या तो इधर मान लो या इधर मान लो। अभी हम बात करते हैं, देखो आगे क्या है, विच ऑफ दीज विल रिमेन कॉन्स्टेंट। अब ये जो है ना, यहाँ पे देखो अलग तरह का क्वेश्चन है ये, यहाँ पे एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, मान के चलो विच ऑफ दीज पूछा है ना,
मान लो उसने नीचे को तुम्हें ऑप्शन दे दिए 1 2 थ्री फोर टू फोर 1 4 ठीक है। तो अब तुम्हें कोई से भी दो ऑप्शन चुनने, तो तुम्हें सारे ऑप्शंस तो चेक करने ही पड़ेंगे बिकॉज इसने तो सारे पूछ लिए। ठीक है, तो अगर इसने सारे ऑप्शन पूछ लिए तो हम सारे ऑप्शन चेक भी करेंगे। देखो कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है एक्स डायरेक्शन में मूव करा दिया यार। मैग्नेटिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन, तो अब होगा क्या? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब देखो यार इलेक्ट्रॉन जो है जा रहा है तो करंट प्रोड्यूस करेगा, तो करंट जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, इसके करंट की इधर फ्लो करेगा, इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा और इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से रहेगी, तो दे विल प्रोड्यूस इंटरफेरेंस और इससे इलेक्ट्रिसिटी पे हल्का सा फर्क पड़ेगा, बिकॉज वी नो दैट फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड मिलकर इलेक्ट्रिसिटी पे या करंट पे इफेक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट करती रहेगी इन दोनों के इंटरसेक्शन की वजह से। अब माइंडेड हमने कहा था कि फील्ड लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, बट यहां पे वो एक ही तरफ की बात हो रही थी, ये करंट जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा ना मैग्नेटिक इफेक्ट, उससे जो फील्ड बनेगी वो तो आपस में इंटरसेक्ट कर सकती है, तो ये चीजें आपस में वेरिएबल होती रहेंगी, तो यानी कि वेलोसिटी वेरी कर सकती है बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड विल वेरी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई? एफ अपॉन क्यू बी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगा और फोर्स भी वेरी करेगा, तो दोनों चीजें वेरी करेंगी तो वेलोसिटी तो वेरी करेगी, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है। अब लेकिन वेलोसिटी वेरी करेगी, समझे, लेकिन मोमेंटम के मैग्नीट्यूड की बात करें अगर हम एक पॉइंट पे, समझे बात को, मोमेंटम के मैग्नीट्यूड की बात करें तो मोमेंटम क्या होता है भाई? मास इनटू वेलोसिटी, और अभी हमने देख लिया कि वेलोसिटी तो कम से कम कांस्टेंट नहीं है बट मास कांस्टेंट है, तो यार अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है पर मास कांस्टेंट है, तो यहां पे एक चीज देखो तुम, वेलोसिटी में क्या चीज कांस्टेंटली आ रही थी? वेलोसिटी क्या होती है भाई? स्पीड अलोंग विद डायरेक्शन, तो अगर स्पीड अलोंग विद डायरेक्शन है तो यहां पर वेलोसिटी का क्या, डायरेक्शन ही तो चेंज हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन चेंज हो रहा था ना ट्रेवलिंग का, वेलोसिटी चेंज हो रही थी, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा था। बट अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, तो मैग्नीट्यूड थोड़ा चेंज हो रहा था वेलोसिटी का, पहले वेलोसिटी अगर इस तरफ थी तो अभी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस तरफ होगी, कभी इस तरफ होगी, कभी इस तरफ होगी, ऐसा हो सकता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से जो करंट प्रोड्यूस होगा, करंट इस तरफ प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट आएगा, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है ना, तो डायरेक्शन चेंज हो सकती है, उस वजह से क्या हो सकता है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, यानी कि स्पीड जो है वो तो सेम रहेगी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो हमेशा सेम रहेगा, तो यानी कि मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो हमेशा सही रहेगा, तो यार ठीक है ये भी हो रहा है। अब मैग्नेटिक फोर्स हमने जैसे कि बात कर ही ली थी कि मैग्नेटिक फोर्स जो होगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन वो कॉन्स्टेंटली वेरी करेगा, बिकॉज ये अपना मैग्नेटिक फील्ड देगा, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड देगा, तो इंटरसेक्शन जो है इरेगुलर हो सकते हैं, कहीं 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 ज्यादा होंगे, कहीं कम होंगे, बिकॉज यहां पे मैक्सिमम होंगे, यहां थोड़े से कम हो जाएंगे, ठीक है समझ आ रहा है ना, तो मैग्नेटिक फोर्स तो क्या होगा भाई, वेरी करेगा ही सही। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हम उसका फॉर्मूला हमें पता है, ये कॉन्सेप्ट्स 9 क्लास के हैं तुम्हें पता होना चाहिए, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो हालांकि वेलोसिटीज चेंज हो रही है कॉन्स्टेंटली बट वहां डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए वेलोसिटी चेंज हो रही है, उनका मैग्नीट्यूड वाला पार्ट तो हमेशा कॉन्स्टेंट है तो ये पार्ट भी हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, तो यस इट विल नॉट चेंज, तो 2 और 4 जो ऑप्शन है वो सही है, यानी कि वो कॉन्स्टेंट रहेंगे, तो उस हिसाब से मेरा लगाने वाला ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, सी, समझ रहे हो, तो इस तरह साइंटिस्ट में थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट हमने कोई नए नहीं सीखे, जो थे हमारे पास हमने वही अप्लाई किए, तो हमने यहाँ पे अभी देखो काफी कुछ सीख लिया है, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो हमने देखा कि यार किस तरह के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में, फेवरेट क्वेश्चन तुम करने चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या है, पोल्स के बारे में ढंग से पता होना चाहिए, दैट दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, फिर है
तीसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का पता होना चाहिए, फैक्टर्स डिपेंडेंट पता होना चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स का जो है, और सारे हैंड रूल्स तो पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे खत्म हो जाती है यार। तो ये चैप्टर तो खत्म हो गया, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।